नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो पाकिस्तान से फिर से लाल टोपी ने एक और बकवास कर दी है। लाल टोपी यानी कि जैद हमीद, जो खुद को एक एक्सपर्ट मानता है, लेकिन वो किस चीज में एक्सपर्ट है वो शायद उसको भी पता नहीं है। कभी कभी वो डिफेंस एक्सपर्ट बन जाता है, कभी कभी वो जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट बन जाता है, तो कभी कभी कुछ और ही निकल कर आता है। तो उसी के चलते हमको ये लगता है कि उसको खुद को ये पता नहीं है, वो खुद अपनी आइडेंटिटी को तलाश करने की अभी भी कोशिश कर रहा है, जबकि उसकी उम्र काफी हो चुकी है, काफी मोटा भी हो रखा है और परिस्थितियां यहां तक खराब हो चुकी है उसके लिए कि वो बोलते बोलते भी हांफने लगता है। अब इस एज में आकर व्यक्ति संन्यास ले लेने चाहिए, लेकिन फिर भी रिसेंट में जो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, वहां की इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर और कुछ खास लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, जिसकी टीटीपी कभी जिम्मेदारी लेता है, कभी बीएलए यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी जिम्मेदारी लेती है, कुछ केस में एसएलए यानी कि सिंधु देश की जो लिबरेशन आर्मी है वो जिम्मेदारी ले लेती है, तो उसी के चलते कई सारे लोग पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के और यहां तक कि उनकी जो आईएसआई है उसके भी कई सारे ऑफिसर्स धीरे धीरे करके मारे जा रहे हैं। तो इन सभी के बीच पाकिस्तान की जो हुकूमत है, उन्होंने ये निर्णय लिया है ये लोग अफगानिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। अभी भी काफी लंबे समय से हमला करने की बात चल रही है, वो क्यों पीछे हट रहे हैं ये हम सभी को पता है, लेकिन अफगानिस्तान को एक और धमकी देने के लिए, किधर धमकी देने के लिए जायद हमीद को आगे कर दिया गया है, ऐसा लग रहा है जिस तरह से जायद हमीद का ये पर्टिकुलर वीडियो निकल कर आया है, सुनिए। कि पाकिस्तान के बारे में आप अपना मौकफ हमें वाजे करें। अब डॉज देने से, गोलमोल बात करने से, चक्कर देने से बात नहीं चलेगी। यू हैव टू कम अप फ्रंट एंड टेल पाकिस्तान कि आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, हमारे बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते, साफ बता दें ताकि हम उसके मुताबिक आपसे ट्रीट करें। और आपने जब दोहा एग्रीमेंट में वादा किया था कि आप दहशतगर्दों को किसी रियासत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान के खिलाफ आप टीटीपी को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये आर्गूमेंट मत दें हमें कि जी हमारा अफगानिस्तान पे कंट्रोल ही नहीं है, वो छोटे छोटे ग्रुप हैं, हमें पता ही कुछ नहीं क्या हो रहा है। इस किस्म के बेवकूफाना स्टेटमेंट्स ना दें, क्योंकि आप अफगानिस्तान के अंदर सरकारी तौर पर बड़े बड़े नक्शे लगा चुके हैं, जिनमें लोया अफगानिस्तान या पाकिस्तान का आधा हिस्सा भी आपने अपने साथ शामिल किया है, जैसे अखंड भारत का नक्शा इंडिया ने अपनी पार्लियामेंट में लगाया हुआ। ये हमारे मशरक में जो बैठे हुए बगैरती अखंड भारत बनाना चाहते हैं, जो मगरब में बैठे हुए हमारे हरामखोर एहसान फरामोश हैं, अखंड अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान मिला है इनको इसलिए कि पाकिस्तान एक सॉफ्ट रियासत की तरह बिहेव कर रहा है। अभी तक हमने ना अपनी तलवारें निकाली, ऐलान के सर काटे, इसलिए जरा ज्यादा ही सर पे चढ़े जा रहे हैं। बार बार ये धमकी देते हैं अफगान तालिबान पाकिस्तान के, जी हमने तो दो सुपर पावर्स को शिकस्त दी है, पाकिस्तान को भी शिकस्त दे लेंगे। ये खन्नास इनके दिमाग से निकालना तसल्ली से ज़रूरी है। पाकिस्तान को वही करना पड़ेगा जो टर्की ने सीरिया और इराक में किया था, अपनी सरहदों के बाहर 30-40 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाना पड़ेगा जो बिल्कुल क्लीन एरिया है, नो मैंस लैंड, यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। अफगान तालिबान को ये हम साफ साफ कन्वे कर देने की ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान की पोस्टों पे हमला हुआ अफगानिस्तान की सरहद से, तो हम सरहद के उस पार मौजूद तमाम अफगान मिलिट्री गैरिजन और पोस्ट को तबाह कर देंगे, और हमें कर देना चाहिए। वी शुड टेल देम वेरी क्लियरली कि आप अपनी सरहद से 30 किलोमीटर पीछे चले जाएं। आप अगर अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं कर सकते, पाकिस्तान की पोस्टों पर हमला हो रहा है, तो पाकिस्तान अब अंदर अफगानिस्तान के जाके आपको मारेगा, इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ना आप खुद कार्रवाई करते हैं, ना हमें करने देते हैं, ना मिलकर करते हैं, ये बकवास नहीं चलेगी। तो जैसे कि आपने सुना, जायद हमीद को, जिसको लाल टोपी करके भी कहा जाता है, क्योंकि वो जब भी दिखाई पड़ता है, जब भी कैमरे पर आता है, कहीं पर भी वो दिखाई पड़ता है, तब वो अपनी एक पैटेंट लाल टोपी के साथ दिखाई पड़ता है। तो उसी जायद हमीद ने अफगानिस्तान को धमकी देते देते भारत की भी उसमें बात कर ली, और अखंड भारत की जो बात भारत में कई सारे लोग कर रहे हैं उसके ऊपर भी उसने खास अपनी टिप्पणियां दे दी, और साथ में ये भी बता दिया कि एक तरफ से भारत अखंड भारत बनाने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान की दूसरी तरफ से अफगानिस्तान एक अखंड अफगानिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां पर अफगानिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान अपना हिस्सा मानता है, उसको एक अलग नाम दिया गया है और उसको वो अपने कब्जे में लेने की बात कर रहा है। अब ये बात उसकी काफी ही जायज है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पूरी बात है जहां पर अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन को मानने से मना कर रहा है, पाकिस्तान के साथ उनकी जो बॉर्डर है उसको मानने से मना कर रहा है, और उसका स्पष्ट ये कहना है, अफगान तालिबान का स्पष्ट ये कहना है कि पाकिस्तान जो सिंधु नदी के उस तरफ का हिस्सा है, अफगानिस्तान साइड का हिस्सा है, मतलब कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, वो पूरा एरिया अफगानिस्तान का है, और उसके इस तरफ का जो एरिया है वो भारत का है। तो अफगान तालिबान और यहां तक कोई भी अफगान
पाकिस्तान का अस्तित्व मानने के लिए सालों से, जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है तब से पाकिस्तान का अस्तित्व मानने के लिए, स्वीकारने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और वो जो उनकी सोच है वो आज भी वैसी वैसी है। तो उसी के चलते वे लोग अभी भी अलग अलग प्रकार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में अलग अलग एंटिटीज के द्वारा हमला करवा रहे हैं और इस प्रकार के आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है ये किसी को नहीं पता है। रिसेंटली CIA ऑफिसर ने भी एक बात कही थी जिसमें उन लोगों ने बताया था कि भारत तालिबान का उपयोग कर रहा है पाकिस्तान में हमले करवाने के लिए, लेकिन ये बात भी वो लोग प्रूव नहीं कर पाए, तो इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान का प्रशासन वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, वहां पर गवर्नमेंट चला रहा है, यानी कि पाकिस्तान आर्मी और ISI, शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहे हैं, ही इज जस्ट अ पपेट, तो पाकिस्तान की आर्मी और ISI जिस तरह से वहां पर प्रशासन चला रहे हैं, जिस तरह से वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट चला रहे हैं, उसके चलते वहां के जो लोग हैं वो काफी ही दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और उनकी जो दिक्कतें हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। तो इसी प्रकार से पाकिस्तान खुद अंदर से नियरली टूट चुका है और पाकिस्तान के अंदर एक जो 0.5 वॉर है, जो एक्चुअली 0.5 ना होते हुए बहुत सारी अलग अलग फ्रंट खुले हुए हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में BLA या BLF हो, यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी या बलूच लिबरेशन फ्रंट हो, या फिर खैबर पख्तूनख्वा में TTP हो, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, या फिर ISKP यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस हो, या पाकिस्तान आर्मी हो, या ISI हो, या JSMM हो, या सिंधुदेश रेवोल्यूशनरी आर्मी हो, SRA, उन सभी के बीच में पाकिस्तान बटा हुआ है और बहुत ही जल्द पाकिस्तान के टुकड़े हो जाए। तो कोई भी चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए, हर एक अपना अपना एक अलग देश बना ले, जिसमें एक सिंधु देश बने, जिसमें एक बलूचिस्तान बने, जिसमें एक खैबर पख्तूनख्वा हो जो अफगानिस्तान का भाग बने, POJ के भारत में वापस आ गए, और जो बाकी का पाकिस्तानी पंजाब बचे वो वैसे का वैसा, वो अल्टीमेट पाकिस्तान रह जाए, तो कोई भी चौंकने वाली बात, सरप्राइजिंग या शॉकिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ये जैद हमीद की जो बात थी जो हमने आपको सुनाई, उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रियाएं जरूर दें, उसके ऊपर आपके जो रिएक्शंस हैं, जो आपके रिस्पॉन्सेज हैं, वो नीचे हमारे साथ कॉमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर मानव।